गुड आफ्टरनून बच्चों, बेसिक मैथ्स फॉर ऑल इस श्रृंखला की आज पांचवी कड़ी है, पांचवा दिन है। पहले दिन हमने इंटीजर्स का एडिशन देखा, फिर दूसरे दिन सब्ट्रैक्शन देखा, तीसरे दिन हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देखा, चौथे दिन हम देख रहे थे कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। आज पांचवा दिन है, आज भी हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं देखेंगे, मगर यहाँ पर फ्रैक्शन में नेगेटिव न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर भी होगा। अभी तक जो हमने किया था वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, अब की बार नेगेटिव हो तो बच्चे काफ़ी बार मैंने देखा है अच्छे अच्छे बच्चों को यहाँ पर गलती करते हुए। मैं आपकी समस्या का समाधान मैं यहाँ पर करूँगा। हमारे सेशन में 6 गणित अलग अलग प्रकार के होंगे, बाद में प्रैक्टिस सेशन के अंदर सभी गणितों को मिक्स करके एक बार लास्ट रिवीजन आपका होगा। तो यहाँ आप देखिए कि पहले प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है मगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो तो क्या करें? कुछ भी मत करिए बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ आप सुनिए ध्यान से। 4/5 ऐसे ही लिखिए। अगर ये प्लस होता है और ये माइनस होता है तो डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, माइनस आ जाएगा और 3/5 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करूँ मैं, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस होगा माइनस, तो ये होगा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 4-3 होगा 1। यह एक तरीका हो सकता है, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 4/5। कभी भी अभी याद रखिए, आपके डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रखना है, इस रूल को याद रखिए। एक की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव पॉइंट मत रखिए, तो नेगेटिव साइन ऊपर रखिए, प्लस ऑफ माइनस 3/5 ऐसे लिखिए आप, इसको मत लिखिए, ये सब एक है। तो 4+ यहाँ डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो प्लस ऑफ माइनस होगा माइनस, तो ये आएगा 1/5। या तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस कह डालिए, या तो फिर इस रूल को मान के चलिए कि डिनोमिनेटर में हमेशा माइनस साइन नहीं होना चाहिए। अब उसी बात को मैं फिर से यहाँ दोहरा दूँ कि यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस साइन है उसको मत रखिएगा आप, न्यूमरेटर में रख दीजिए, और ये प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। तो ये डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आंखें मूंद के उसको ऊपर लिख सकते हो, या तो फिर यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्लस ऑफ माइनस यहाँ लिख सकते हो, इसको प्लस ऐसे ही रख दीजिए आप और इसको माइनस साइन रखिए। अब यहाँ डिनोमिनेटर से इक्वल नहीं है तो एलसीएम लेना है, और कल आपको मैंने बताया था एलसीएम लेने का तरीका, ये 10 इज डिविजिबल बाय 5, 10 का फैक्ट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, इसीलिए इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 10, इसका एलसीएम हो जाएगा 10, तो ये होगा 5 × 2 और ये होगा 10 × 1। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, सो द एलसीएम इज 10। नाउ आई कैन राइट इट एज माइनस ऑफ प्लस इज माइनस, सो -8 होगा ये, और ये होगा प्लस इंटू माइनस होगा माइनस इंटू 7। और आपको रूल मैंने बताया था बच्चों कि दोनों नेगेटिव अगर होता है तो आपको सीधा प्लस करना है, 8 और 7 को प्लस करोगे तो होगा 15, और माइनस साइन आपको यहाँ पर रखना है डिवाइडेड बाय 10। और कैंसिल होता है तो आसानी से कैंसिल कर दीजिए बच्चों, 5 × 3 = 10, 5 × 2 = 10, तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, सो ये होगा 3/2। तो ये पहला प्रॉब्लम था जहाँ पर एक ही जगह पर नेगेटिव साइन था। दूसरा प्रॉब्लम है जहाँ पर दोनों ही जगह डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है और डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, या दोनों डिनोमिनेटर्स सेम थे। तीसरा प्रॉब्लम हम ले रहे हैं जहाँ पर माइनस साइन न्यूमरेटर में है, यहाँ माइनस साइन क्या था, डिनोमिनेटर में था, यहाँ माइनस साइन न्यूमरेटर में है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो है वो अलग अलग फैक्टर्स नहीं है वो। तो ऐसे समय आपको क्या करना है, देखिए ये तो 7 और 4 है बच्चों, तो 7 और 4 का एलसीएम, क्योंकि 4 और 7 दोनों को 1 ही डिवाइड कर सकता है, 1 इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ 4 एंड 7,
सो ये को प्राइम कहा जाएगा इसको, तो इसका इसको डायरेक्टली एलसीएम अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। 7 और 4 का एलसीएम होगा 28 और ये होगा 28, 4 के टेबल में 28 अगर आना है बच्चों तो आप 4 7 जा 28 कह सकते हो। 7 के टेबल में 28 अगर आना है तो 7 4 जा 28 आप कह सकते हो। तो माइनस इंटू प्लस होगा -35 और ये प्लस इंटू माइनस होगा -6 × 4 होगा 24, तो ये होगा -5 + 4 = 9 एंड 3 + 2 = 5 डिवाइडेड बाय 28। तो बच्चों ये इस तरह से करना है। तो पहला प्रॉब्लम जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, दूसरा प्रॉब्लम जहाँ पर डिनोमिनेटर फैक्टर है और दोनों नेगेटिव है, तीसरा प्रॉब्लम जहाँ पर डिनोमिनेटर को प्राइम है और न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पर क्या करें सर, जहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बच्चों कि ये -4/7 होगा और ये प्लस और डिवाइडेड बाय माइनस, अगर मैं चाहूँ तो इसको माइनस लिख सकता हूँ, तो ये होगा 6/10। तो इसको अगर मैं ले लूँ, 7 और 10 जो है उसका कॉमन फैक्टर 1 है, 1 से ही डिवाइड होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 और 10 अगर हो तो उसको हम 70 इसका एलसीएम हो जाएगा क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये 7 × 10 होगा और ये 10 × 7 होगा क्योंकि एलसीएम कितना होता है इसका, 70 होगा। तो ये होगा -40 − -42। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों नेगेटिव है बच्चों, तो प्लस करना है आपको, तो ये होगा 82 / 70, -82 / 70, फिर ये कैंसिल होता है बच्चों, तो -40 × 2 = 8 + 2 = 2 ये 35, यानी ये होगा -41 / 35। ओके, अब यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर सेम है सर और दोनों नेगेटिव है सर, क्या करें? डरने की ज़रूरत नहीं है, धड़कनों को तेज मत कीजिए। दोनों नेगेटिव अगर है तो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल होता है। क्यों कैंसिल? वैसे नहीं होता है, आपको हमने बताया था कि माइनस डिवाइडेड बाय माइनस हमेशा प्लस होता है और माइनस डिवाइडेड बाय माइनस हमेशा प्लस होता है, मगर अक्सर मैं भी अपने टीचिंग में बताता हूँ बच्चों, क्योंकि कैंसिल होता है, अक्सर कैंसिल नहीं होता है वो। तो ये सिंपल हो जाएगा बच्चों, 7/8 + 7/11। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ बच्चों, तो 8 और 11 है, इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो ऐसे समय हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 88 इसका एलसीएम, तो 8 11 88 और 11 8 88 होगा, यानी 77 + 56 आप करोगे तो 6 + 7 होगा 13, कैरी 1, 5 + 1 = 6, 6 + 7 फिर कितना होगा 13 डिवाइडेड बाय 88, तो कितना होगा 7 + 6 = 13, कैरी 1, 6 + 7 = 13, सो ये इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पर नेगेटिव होता है सर, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, चिंता मत करो, मैंने आपको पहले ही बताया, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस अगर होता है बच्चों, या फिर हम ऐसे कह देंगे आपसे कि डायरेक्टली आप क्या करो, न्यूमरेटर में माइनस साइन रख दो, 6 / 13 हम करेंगे और ये प्लस ऑफ माइनस होगा बच्चों -7/26, तो ये होगा। अब इनका एलसीएम लेना है तो 26 इज अ फैक्टर ऑफ 13, 13 के टेबल में 26 आएगा, इसलिए मैं यहाँ 26 लिख देता हूँ, 13 × 2 = 26, 26 × 1 = 26, तो ये होगा -12 - 7, तो दोनों नेगेटिव है बच्चों, तो प्लस आपको करना है, ये होगा 19 / 26। तो बच्चों ये था आज का ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हमने आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको बताए। अब हमारा होगा प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर
अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम फिर से एक बार लास्ट टाइम जाने से पहले हम रिवीजन आपका करके दे देंगे। तो रिवीजन के अंदर हमने सबको मिक्स कर दिया है, तो यहाँ आप इसको आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, 8 और 3 है बच्चों, 8 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 होता है, इसीलिए इसका एलसीएम 8 × 3 हो जाएगा, ये होगा 24। और 8 के टेबल में 24 आएगा, 8 × 3 = 24, और 3 के टेबल में 24 आएगा, 3 × 8 = 24, तो ये होगा -21, दिस विल बिकम -21, और ये होगा 4 × 8 कितना होता है 32। तो -21 + 32 होगा बच्चों 9, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 24। तो ये हो गया एक टाइप का प्रॉब्लम। अब दूसरा टाइप का प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखेंगे, 7/8, ये है प्लस ऑफ माइनस, यहाँ पहली बार माइनस था, यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, तो प्लस ऑफ माइनस अगर होता है बच्चों तो माइनस कर देंगे हम उसको, -4/3। तो आप एलसीएम फिर से यहाँ पर जब लोगे तो आपका एलसीएम होगा 24, क्योंकि इसका फैक्टर 8 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 है, तो 8 × 3 = 24 और 3 × 8 = 24, तो ये होगा 21 - 32, और 21 - 32 होता है बच्चों -9 / 2 - 1 = 1 और 3 - 2 = 1, -11/24। सर दोनों नेगेटिव है तो क्या करें, देखिए सेम प्रॉब्लम है, मैंने एक्चुअली किया क्या, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ पर माइनस रखा है, दूसरी बार यहाँ पर माइनस रखा है, तीसरी बार यहाँ पर माइनस रखा है, और हर बार आप देख रहे हो कि जवाब अलग अलग आ रहा है, क्योंकि साइन पे ऊपर डिपेंड करता है, जानबूझकर मैंने एक ही प्रॉब्लम लिया है और आपको अलग अलग साइन चेंज होने पर क्या फ़र्क पड़ता है वो बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। अब की बार वही प्रॉब्लम है मगर नेगेटिव दोनों नीचे हैं, तब क्या किया जाएगा, -7/8 प्लस डिवाइडेड बाय माइनस होगा -4/3, प्रॉब्लम वही है। तो 8 और 3 का एलसीएम जैसे मैंने आपको बताया बच्चों 24 होगा, 8 × 3 = 24, 3 × 8 = 24, तो ये होगा -21 - 32, दोनों माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, सो 2 + 1 होगा बच्चों 3, 3 + 2 होगा 5, -/24, फाइन। सर आपकी बार यहाँ तो दोनों माइनस है, क्या करें सर, कोई चिंता नहीं है, -7/8, मैंने आपको पहले बताया कि माइनस माइनस कैंसिल है, तो ये होगा 4/3, फिर से वही कहानी रिपीट होगी बच्चों, 24 एलसीएम होगा, 8 के टेबल में 24 3 बार जाएगा और 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स जाएगा, कैंसिल होगा, मेरा कहने का मतलब है, तो ये होगा -21 + 32, तो आप देखिए कि जवाब आएगा आपका 11/24, तो ये क्यों आया, सेम 3 - 2 = 11, सो दिस इज 11/24, तो ये दोनों जवाब सेम आ रहा है, क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि ये दोनों, ये 4/3 और -4/-3 दोनों सेम है, इसलिए बच्चों थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन, आई एम सॉरी फॉर इट, ये होना चाहिए था 11/24, तो ये देखिए -11/24, यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हो रहा है -53/24। तो बच्चों इस तरह से हम क्या इस प्रॉब्लम को, मैं चाहूँगा कि आप इस नोटबुक में आपको इसको लिख लीजिए और इसको होमवर्क में कीजिए, तो या फिर हम कर देते हैं 2 मिनट के अंदर, ये 24 होगा तो ये माइनस होने की वजह से हम इसको यहाँ ले सकते हैं बच्चों, तो ये होगा -7/8, और आप देखिए ये 8 × 3 = 24 और 3 × 8 = 24 होगा, तो फिर से क्या होगा -21 + 32, और -21 + 32 होता है बच्चों, प्लस साइन 32 का ज़्यादा है, 21 का माइनस है,
इसलिए ये होगा 11 बाय 24, 11 बाय 24। तो बच्चों इस तरह से हमने आज देखा कि किसी दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं। पहली बात, जब उसके न्यूमरेटर्स या डिनोमिनेटर्स नेगेटिव होते हैं तब दोनों नेगेटिव होते हैं, एक नेगेटिव होता है, न्यूमरेटर नेगेटिव होता है, डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है, बीच में नेगेटिव साइन आता है, नीचे नेगेटिव साइन आता है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है, या फिर अक्सर बच्चों को गलती करते हुए मैंने देखा है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो के बाद इस वीडियो के नीचे या कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक 10 मार्क का क्विज़ आपको आप रेगुलरली जैसे करते हो वैसे करना कर सकते हो, और जिसको 8 अंक से ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे उसको एक हम सर्टिफिकेट भी आपके ईमेल पे भेज रहे हैं।